दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ये आईफोन है और इस फोन का चलिए हम आपको यहां पे मॉडल नंबर दिखा देते हैं। चलिए आप यहां पे थोड़ा सा मॉडल नंबर देख लें। आप यहां पे मॉडल नंबर देख रहे हैं, ये पीछे में लिखा हुआ है, तो यही मॉडल नंबर के हिसाब से जो है आप इस फोन को जो है अनलॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चलिए मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये मोबाइल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे जो आईफोन ब्लॉक लिख रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो पहले आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा। चलिए मोबाइल को हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देते हैं। और मोबाइल को जब हम स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद करना क्या है कि इसका जो केबल है तो केबल से हमें अपने कंप्यूटर में बूट कराना होगा, ठीक है। तो बूट कैसे कराएंगे, तो बूट कराने के लिए आप यहाँ पर देखिए ये केबल है सामने में, ठीक है। इस आईफोन का जो केबल है इस केबल को हमें इस मोबाइल में लगाना है, लेकिन मोबाइल में लगाने से पहले जो हमें इसका जो होम की आप देख रहे हैं सामने में, ठीक है, इस होम की को हमें जो यहाँ पे कंटिन्यू दबा करके रखना होगा, ठीक है। जब इस होम की कंटिन्यू हम दबा के रखेंगे और इस केबल को लगा देंगे, फिर भी जो है इस होम की को हम कंटिन्यू दबा करके ही रखेंगे, ठीक है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसमें आई टोन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं आई टोन का सिंबल बन चुका है और ये मोबाइल जो है लग चुका है हमारे कंप्यूटर में। इसी तरह से हम अपने मोबाइल को बूट करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो चीज़ डाउनलोड करना होगा। पहला तो आपको ये आईटून सेटअप जो है आपको ये डाउनलोड करना होगा, तो ये डाउनलोड मैंने कर रखा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र जो उसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है, फाइल हिप्पो, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देख लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने फाइल हिप्पो जो टाइप किया उसके बाद फाइल हिप्पो का वहाँ पे हमको लिंक मिल चुका था, उस लिंक पे हमने क्लिक किया, ऑटोमेटिक जो है हम फाइल हिप्पो पर आ चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे जो आईटून सेटअप है तो हमें यहाँ पे आईटून सेटअप नहीं लिखना है, सिर्फ आईटून लिखना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हम जब इंटर मारेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेटअप आ चुका है, तो इसे हमें डाउनलोड करना है। तो आपका जो कंप्यूटर है वो 64 बिट है या 32 बिट है जो भी है, तो उसी के हिसाब से ही आपको ये डाउनलोड करना होगा, ठीक है, ताकि आपके कंप्यूटर में ये सेटअप सपोर्ट करे, ठीक है। तो मान के चलिए मेरा कंप्यूटर जो है 32 बिट का, तो हम 32 बिट का जो है डाउनलोड कर चुके हैं और आपका कंप्यूटर जो भी होगा उसी टाइप से आपको डाउनलोड करना है। तो हमने इसे डाउनलोड कर लिया, चलिए इसे इंस्टॉल करना है पहले। तो इंस्टॉल कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करके ओपन देना है, ठीक है, ओपन करना है आपको, ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन करके थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि हमने मोबाइल को जो है यहाँ पे जो है कनेक्ट कर रखा है आईफोन को। उसके बाद इस सेटअप को जो है आईटोन सेटअप को अभी यहाँ पे जो है हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा आईफोन जो है हमारे डिवाइस से कनेक्ट है। तो इसे मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्ट है तो हमारे कंप्यूटर से। अब हमें करना क्या है कि हमें जो अपना जो ये सेटअप है आईटोन सेटअप जो है, इस सेटअप को पहले हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। चलिए इस सेटअप को हम यहाँ पर नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये सेटअप जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे हमें करना है ये है कि एक और आपको जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा उस मोबाइल के लिए, जिस मोबाइल को आपको अनलॉक करना है आईफोन को, जिस मॉडल को आपको अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको जो है डाउनलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ipsw.me, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर टाइप करना होगा। चलिए आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा देते हैं, थोड़ा सा जूम करके आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लें कि आपको जो क्या टाइप करना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, ताकि आप यहाँ पर इस साइट पर आप आ सके। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं https/ipsw, ठीक है, डॉट, ठीक है, ये आपको जो है टाइप करना है, ठीक है। तो ये जब आप टाइप करेंगे तो इस साइट पर आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्लिक करना है आइडेंटिफाई माई डिवाइस, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आपका जो आईफोन है तो उस आईफोन में जो मॉडल नंबर पीछे में लिखा हुआ था बॉडी में, ठीक है, तो उस मॉडल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने मॉडल को, अपने मोबाइल को देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो कौन सा है, ठीक है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा। तो
तो दोस्तों जैसे मान के चलिए हमारा फ़ोन है आईफोन, तो आईफोन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आईफोन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइन योर मॉडल, ठीक है। तो हमारा जो भी मॉडल है उसका सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे अपने मोबाइल के पीछे में जो हमारा जो नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, हमारे आईफोन के पीछे में जो भी मॉडल नंबर लिखा हुआ था, तो उस मॉडल नंबर को हमें यहाँ पे टाइप करना है और हमें यहाँ पे फाइंड पे करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे उसमें जो भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप इस पर यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए रेडी है, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सेव कर लेना है इस सॉफ्टवेयर को। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे जो है गूगल क्रोम में जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में जो है डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले से ही जो है इसे डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए और आपको समझाने के लिए ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईफोन को अगर आप अपडेट करना चाहें या उसे आप रिस्टोर करना चाहें तो आप जो है ये आईट्यून सॉफ्टवेयर के जरिए से जो इसके माध्यम से आप जो है इसे कर सकते हैं। तो इसे हमने जो डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं कि हमने दोनों को डाउनलोड कर लिया, इस सेटअप को भी मैंने डाउनलोड कर लिया और इसकी जो फ्लैश फाइल थी उसे भी मैंने जो है डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस सॉफ्टवेयर को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा जो मोबाइल आईफोन है वो लगा हुआ है इसमें, और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको रिस्टोर करना है ठीक तो आप रिस्टोर पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें तो इसे रिस्टोर करना है तो हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको अपने कीबोर्ड में जो है आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन है शिफ्ट बटन को कंटिन्यू आपको दबा के रखना है, तब जो है आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो मोबाइल जो है ऑनलाइन हो जाएगा और उसमें जो आपको 6 से 7 घंटे का टाइम आपको लग सकता है। तो शिफ्ट बटन को आप दबा करके ही जो है आप अपडेट या रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूँ चाहे आप ऑनलाइन करें या चाहे आप ऑफलाइन करें, आपको जो है अपने कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी जो है आप जो है इस फ़ोन को जो है रिस्टोर कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ़ोन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे जो है इसका प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों इसमें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल को भी कि मोबाइल जो वहाँ पे उसमें किस तरह से उसका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और यहाँ भी आप देख ही रहे हैं। और तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस प्रोसेस को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से देखिए आप, और तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले शुरू में बता ही दिया आपको कैसे आपको आईट्यून सेटअप डाउनलोड करना है, कैसे आपको जो किसी भी आईफोन का जो है फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस टूल के माध्यम से आप जो है किसी भी आईफोन का बैकअप ले सकते हैं अपने कंप्यूटर में। मान के चलिए उसके फ़ोन में आईफोन में कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी डाटा है, कोई भी फोटो है, कोई भी वीडियो है, ठीक है, उन सभी का बैकअप आप ले सकते हैं इस टूल के माध्यम से। और इस टूल में उसका अगर आप बैकअप ले लेंगे उसके बाद अगर उस मोबाइल को अगर आप इस टूल के माध्यम से अगर फ्लैश करते हैं तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस बैकअप को लेकर के भी आप उस मोबाइल को वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंप्यूटर में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे इस मोबाइल का जो प्रोसेस चल रहा है जो रिस्टोर हो रहा है, ये जिस तरह से हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया और कैसे हमने इसे जो यहाँ पे इसे रिस्टोर किया आप यहाँ देख ही रहे हैं, आप यहाँ पे मोबाइल पे भी देख लें कि। तो दोस्तों जब तक ये मोबाइल जो रिस्टोर हो रहा तब तक से थोड़ा सा हम वेट करते हैं, कुछ तकरीबन 1-1.5 मिनट की ये वीडियो और आगे है, और उसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा वीडियो को देख लें और आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है आईफोन इसका जो रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है और हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो चुका है। और चलिए अब हम आपको यहाँ पे मोबाइल को दिखाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे मोबाइल में देख रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद भी आपको मोबाइल को जो डाटा केबल नहीं निकालना है मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल में कुछ प्रोसेस कुछ देर थोड़ा सा चलता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, इसके बीच में आपको केबल नहीं निकालना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पे रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद ये ऑन होगा ये मोबाइल, उसके बाद आपको इस मोबाइल का जो है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सेटअप करना होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि जब भी इस मोबाइल को आप जो है रिस्टोर करें या जो है आप इसके फ्लैश करें तो आपका जो इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए, बीच में आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। चलिए अब इस मोबाइल का हमें यहाँ पे सेटअप करना होगा, तो चलिए इस मोबाइल का हम यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।